यदि बात मेरी हो तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और ये देखिएगा, ये विनय नहीं, ये आत्मकथा है। जब हम भगवान महादेव के सामने बैठ करके ये रुद्राष्टक बोलते हैं तो अंतिम वाला श्लोक तो ध्यान से बोलना, क्योंकि उस ब्राह्मण देवता ने तो विनय किया है, लेकिन हमारी तो आत्मकथा है। हम योग जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तो नाम हो गए, पर इसमें से एक एक चीज कैसे कैसे करी जाए। हम योग नहीं जानते हैं, हम जप नहीं जानते, जप कैसे करना, कब करना, किस तरह से हो, ये सब सारे नियम हम नहीं जानते। पूजा में हमारा ध्यान होता नहीं, हम पूजा ठीक से जानते नहीं हैं। इसलिए हम भगवान महादेव से कहें कि हर तरह की पीड़ाओं से हम फंसे हैं, हे मेरे नाथ, तुम मैं ये सब नहीं जानता, इस तरह से तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हूं, तुम तो मेरे ऊपर कृपा करो। अंतिम श्लोक का गायन करें। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःख गतात्मप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं न जानामि योगं। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो हे मेरे नाथ, मैं किसी योगी की तरह नहीं खड़ा हूं, मैं योग नहीं जानता। योग जानता होता तो योगी की तरह आपके सामने खड़ा होता, मैं योगी नहीं हूं। मैं जप करने वाला होता तो जपी की तरह आपके सामने खड़ा होता, मैं जप करने वाला भी नहीं हूं, मुझे वो आता भी नहीं है। न जानामि, ये सबके साथ लगाओ, न जानामि योगम, न जानामि जपम, न जानामि पूजाम। न मैं जप जानता हूं, न मैं योग जानता हूं, मुझे पूजा करना भी नहीं आता। इसलिए हे शंभो, मैं केवल इतना कर सकता हूं कि झुक सकता हूं, है ना, मैं केवल इतना कर सकता हूं कि मैं झुक सकता हूं। और इसलिए हे शंभो, सर्वदा, केवल आज के लिए नहीं, मैं हमेशा तेरे चरणों में झुका हुआ हूं। इसके लिए क्या, मैं तो हमेशा झुका हुआ हूं। तुम इन पर प्रसन्न हो जाओ, बहुत अच्छा। तुम इन पर यदि प्रसन्न नहीं हो, या यदि इसकी सिफारिश करता है करके मुझे भी शाप दे दो, क्या पता, तुम तो कुछ भी करो। और खिलौने से बच्चा खेलता है तो कैसे भी खेलेगा, इसको जैसे खेलना हो खेले, लेकिन खिलौना बच्चे के समर्पित होता है, अपनी तरह से कुछ नहीं करता। बस इसी तरह से जैसे बांसुरी अपनी तरह से नहीं बजती, है ना, ये विजय भाई इतनी सारी बांसुरियां लेके घूमता है, इसमें से जिसको चाहे वो उसके हाथ में आ जाती है, इसमें से जिस किसी को अपने होठ पे लगा दे वो बजने लगती है, और विजय भाई जैसे बजाना चाहे वैसे ही बजती है, जितना बजाए उतनी ही बजती है, और उसमें से जो बजाए वही बजती है अपनी तरह से। उसमें से पा पी पू होने लगे तो अमेरिका नहीं लाए कि नहीं, अपनी तरह से इसमें कुछ नहीं है, वो टे टे नहीं होता, इसलिए मैंने इसको देखा है, खोल के खाली एक बार देख लेगा, हाँ बराबर है, पाछू मुकी दे, प्रैक्टिस में भी जो ही लिए, और जितना बजाती है उतनी ही है ना, वो जितना बजावे उतना ही, जैसे बजावे वैसे ही, और जब बजावे तभी अवेलेबल। भगवान महादेव के सामने यही बात रखी जाए, हे महाराज, मैं तो सर्वदा झुका हुआ हूं, सदा सर्वदा मैं तुम्हारे चरणों में हूं। तुम त्रिभुवन के गुरु हो, बाप के सामने बेटा क्या बोले, गुरुओं के सामने चेले क्या बोले। मैंने तो थोड़ा विनय तुम्हारे चरणों में रख दिया मेरे नाथ, बाकी योग नहीं जानता, जप नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, श्लोक का मीटर पूरा हो गया, नहीं तो इसमें सब आ गया, मैं कुछ नहीं जानता, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं जानता। और तुम ऐसों को ही तो अपनाते हो, यदि मुझे कुछ आता होता और तुमने अपनाया होता तो लोग ऐसा कहते हैं, ये तो गुणों को देख करके ही अपनाते हैं,
योग जानता हो उसी को अपनाते हैं, जब जानता हो उसी को अपनाते हैं, पूजा जो जानता हो उसी को अपनाते हैं, लेकिन मेरे नाथ यदि तुम मुझे अपना लोगे तो ये कहा जाएगा कि शंकर भगवान तो इतने दयालु हैं कि जो योग नहीं जानता, जो जप नहीं जानता, अरे पूजा भी जिसको नहीं आती उसको भी अपनाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सदा सर्वदा नतो हम, है ना, सदा सर्वदा बस मेरा माथा झुका है। तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे सेवक, तुम शिव हो हम जीव हैं, हम तो तुम्हारे सामने झुके हुए ही अच्छे लगते हैं। हमने गलती करी और हम झुके हैं, अब तुम हो प्रसिद्ध प्रभो, अब आप प्रसन्न हो जाइए। मुझे पता है और यही, इन दुखों से डरा हुआ मैं केवल आपकी ही शरण में आ सकता हूं। जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम, ये तीसरी लाइन है। जरा यानी वृद्धावस्था, जन्म यानी ये जन्म लेना, और दुखौघ अनेक प्रकार के जन्म लेने के बाद वृद्धावस्था आने तक, और वृद्धावस्था के बाद भी मृत्यु भी, ये दुख है। और दुख का भी दुख ओघ, ओघ कहते हैं समूह को जो बल्क में मिले तुम्हें। तो जन्म और जरा तो एक एक बार, लेकिन दुख तो आते ही रहते हैं। इन सब चीजों से महाराज मैं तप गया हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, और इसलिए मुझे अंत में यही कहना है। मैंने अभी कहा मेरा माथा झुका हुआ है, तो हे प्रभो पाही, पाही का अर्थ है रक्षा करो, अब तो तुम ही रक्षा कर सकते हो। हे प्रभो पाही, रक्षा करो। और अंत में ये जो लिखा है इसमें सारा रुद्राष्टक आ गया है, नमामि ईश प्रभो पाही आपन नमामि ईश। किसकी पाही, रक्षा करो, किसको, आपत यानी जिस पर दुख पड़ा है, आपत्ति आई है, ऐसे को हे मेरे नाथ रक्षा करो। और फिर पूरा रुद्राष्टक जहां कंक्लूजन आता है वहां पर अंत में विराम में फिर वही, पहले जहां से शुरू किया था वही शब्द, प्रारंभ भी इसी तरह से नमामि शमीशानम, जैसे कल हमारी बात हुई थी वहां भी नमामि ईश और यहां भी नमामि ईश शंभो, हे शंभो हे ईश मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। इतनी सी बात, मैं कुछ भी नहीं जानता ये कहना था। और इस तरह से इन्होंने अपनी विनय सुनाया, लेकिन मैं फिर बता दूं हमारे आपके लिए तो ये आत्मकथा है, इसलिए रुद्राष्टक का अंतिम बंध तो जरूर संभल करके इसको ठीक से भगवान महादेव के सामने गाना कि प्रभु वो उज्जैन के ब्राह्मण तो विनय से कह रहे थे मैं योग नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, उसकी बात नहीं है, अभी मैं गा रहा हूं। और हे मेरे महादेव मैं तो सच में कुछ योग वोग नहीं जानता, टीवी में देख के सवेरे थोड़ा ये कर लेता हूं लेकिन जानता नहीं हूं। लोगों के देखा देखी मैंने भी माला उठा रखी है, अपनी माला की झोली में डालकर मैं भी कभी कभी राम राम करता हूं, लेकिन मैं जप जानता नहीं हूं। इसमें से कौन सी उंगली नहीं छूनी चाहिए मुझे पता नहीं है, किस मंत्र को किस माला में जपना ये मैं जानता नहीं हूं, कई प्रकार के नियम लगे हैं मैं ठीक से इस विधि को नहीं जानता, पूजा के बारे में मैं क्या जानू, किन द्रव्यों से पूजा हो, इसमें क्या होना चाहिए क्या हो नहीं होना चाहिए मैं क्या जानू। तो महादेव ये मेरी आत्मकथा है, बस मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं झुक सकता हूं और मैं सदा सर्वदा तुम्हारे चरणों में झुका रहूं। हे शंभो हे ईश नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह से ये अंतिम बंध है, इसको गा लें। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभो नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विमुञ्जापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विमुञ्जापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विमुञ्जापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं।
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। अष्टक है लेकिन श्लोक नौ है। ये नौवां श्लोक भी रुद्राष्टक का ही पार्ट है, इसको भी बोलना ही चाहिए। जैसे यमुनाष्टक है, नमामि यमुनामहम, कोई पुष्टि मार्ग का वैष्णव बैठा होगा तो जानता होगा, ये नौ श्लोकों में है। क्योंकि अष्टक कहा जाता है लेकिन अंतिम श्लोक में इसका फल बताया जाता है, तो हमेशा इसका फल भी बोलना चाहिए। जैसे विष्णु सहस्रनाम करते हैं तो फिर इति इदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः और नाम नाम सहस्रम दिव्यानाम अशेषेण प्रकीर्तितम, इनको भी बोलना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो निष्काम पाठ करते हैं। निष्काम करते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें इन श्लोकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पूरा बोलो। स्तोत्र का पाठ हो तो पूरे स्तोत्र का हो। और यदि भगवान प्रेम से तुमको ये आयु श्री बल कीर्ति आदि देना चाहे तो तुमको क्या तकलीफ है, है ना? यदि वो बल बुद्धि विद्या देना चाहे तो हनुमान चालीसा करने वाले को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। अष्ट सिद्धि नव निधि यदि वो तुम्हारे घर पर भेज दे तो इसमें तकलीफ की क्या बात है, वो इसमें लिखा है प्रेम से पाठ करो। इतनी चौपाइयां काट के इतना निष्काम बनने की जरूरत नहीं। तुलसीदास जी को पता है क्या क्या लिखना चाहिए था, वो ठीक से लिखा है, इसलिए इतना निष्काम बनने की जरूरत नहीं। इसमें जो लिखा है ठीक लिखा है, पाठ करना। तो अंतिम बंध में कहा यह रुद्राष्टक प्रोक्तम मानी कहा गया, किसके द्वारा, विप्रेण ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता ने गाया है। फिर समयानुकूल संतों ने अर्थ दिया, विप्र का अर्थ होता है जिसके जीवन में विवेक प्र प्रधान होता है, उसको कहते हैं विवेक प्रधान विप्र। ब्राह्मण ही अर्थ है लेकिन एक अर्थ यह भी है, जिसके भी जीवन में विवेक प्रधान है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, हम कहां होने चाहिए कहां नहीं होने चाहिए, ये सब किससे बचना और क्या करना, ये विवेक है। विवेक जिसके जीवन में प्रधान रूप से है वो विप्र के द्वारा यह स्तोत्र रुद्राष्टक गाया गया। क्यों, हर तोषये, हर भगवान महादेव के, तोष संतोष के लिए, भगवान महादेव को संतोष हो जाए और वे प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए गाया गया है। जो भी व्यक्ति, फिर से नर शब्द आया है, सो अब आप गलती नहीं करेंगे, है ना, ये पठंती नरा, ये जो भी नर इसको भक्त्या भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे तो तेषां शंभुः प्रसीदति, जो भी जीव इसका भक्ति पूर्वक पाठ करेगा तो उस पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे। फिर ध्यान रखें ये रामचरितमानस में है और रामचरितमानस पर भगवान काशी विश्वनाथ ने खुद ने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महादेव कहते हैं इसमें जो कुछ भी लिखा है सत्य है, यानी ये रुद्राष्टक का जो भक्ति से प्रेम से पाठ करेंगे उन लोगों पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे। महादेव खुद कह रहे हैं सत्यम, ये सही है। दूसरा शिवम, ये जो लिखा गया है कल्याणकारी है, शंभु यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और तेषां शंभुः प्रसीदति, ये जो भी व्यक्ति इसका पाठ करेंगे तो वो ये इस पर शंभु प्रसन्न हो जाएंगे, इसके जैसी सुंदर बात और कोई हो नहीं सकती। भगवान आशुतोष हम पर प्रसन्न हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इसलिए यह सत्य है, यह शिव है, यह सुंदर है, भगवान महादेव ने इस तरह से। तो यह श्लोक रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। अब आगे कहते हैं सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांग।
जैसे ही दिव्य स्तोत्र का गायन किया गया, सर्वज्ञ शिव जी ने यह विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, देख विप्र अनुराग। ब्राह्मण देवता का इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, अब खाली सुनो, रुद्राष्टक पूरा हुआ, इतना ही पाठ करना होता है। लेकिन रामचरितमानस का यह प्रसंग है, इसमें आगे पीछे क्या है यह भी तो थोड़ा देखना चाहिए। तो हमने आगे क्या है वो तो देखा था, अब इसके बाद क्या हुआ यह भी तो देखो, क्योंकि नहीं तो आधी बात होगी ना, पूरा प्रसंग होगा नहीं। तो ये आगे वाला सुनो। फिर ब्राह्मण देवता का अनुराग देखा तो मंदिर में नभ बांधी भई, आकाश में भगवान महादेव ने जैसे उसको शाप दिया था वैसे ही फिर मंदिर में यह आकाशवाणी हुई, हे द्विजवर वर मांग, आप हे ब्राह्मण देवता आप वर मांगे, इसका मतलब मैं प्रसन्न हूं। तो ब्राह्मण देवता के अनुराग को देख करके शिव जी प्रसन्न हुए, यानी हम पर भी प्रसन्न हो सकते हैं यदि हम भक्ति पूर्वक रुद्राष्टक गाएं। ये भक्तिया ध्यान में रखो, है ना, भक्तिया ध्यान में नहीं है तो फिर तुम ऐसे ही तोते के जैसे रटन करते चले जाओगे, क्या मतलब इसका। भक्तिया प्रेम से पाठ हो, इसलिए किसी भी स्तोत्र का पाठ करो तो सबसे पहले उसका अंत में क्या लिखा है ये देख लो। हाँ जी, जैसे विष्णु सहस्र नाम है, आज ही हम बात कर रहे थे, विष्णु सहस्र नाम है तो इसको बोलो तो भी वही फल है और सुनने का भी वही फल है, ये विष्णु सहस्र नाम में ही लिखा है लेकिन हम देखते ही नहीं। ये इदम श्रुणुयात नित्यम और यश्चापि परिकीर्तयेत, ये लिखा है, इसको जो रोज सुनेगा, किसको, विष्णु सहस्र नाम को, उसको भी वो सारे फल मिलते हैं। यदि पाठ करना नहीं आए और तुम प्रेम से सुनो तो भी वो फल है, और यश ये इसका कीर्तन करो तो भी फल है। तो कुछ भी किसी भी वस्तु का पाठ करो तो पहले अंत में क्या लिखा है वो देख लो, और इसके बाद उस स्तोत्र का पाठ करो तो तुमको पता चलेगा कि इसके कंडीशंस क्या हैं। और इसमें भक्तिया लिखा है, देखो जैसे रुद्राष्टक आपके सामने है, इसका अंतिम श्लोक देखा तो इसमें लिखा है जो भक्ति से पाठ करेंगे उस पर शंभु प्रसन्न होंगे। तो अब आपको पता चल गया, नमामि शमीशानम से ही भगवान के प्रति प्रेम से पाठ करना है, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है, प्रेम से पाठ किया जाए तो फिर शंभु प्रसन्न होंगे। और फिर एक बोलने लगा हूं तो सब बोल दूं, आप तो प्रेम से पाठ करना, फिर शंकर भगवान पर वोच रखने की जरूरत नहीं है कि शंभु प्रसिद्धति कि नहीं प्रसिद्धति, ये सब नहीं करना, अपने को अपना पार्ट संभालना, उसका पार्ट वो करेगा। हमने रुद्राष्टक नहीं किए हैं फिर भी हम रुद्राष्टक की कथा में बैठे हैं, फिर भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है ना, तो वो तो बिना ही कुछ ये सब किए भी अपना रोल तो कर ही रहा है, इसलिए ज्यादा उस पर वॉच रखने की जरूरत नहीं, अपने पर रखो। सीसीटीवी कैमरा रखना है तो इधर सेल्फी में रखो, उधर नहीं रखना, है ना, शंकर भगवान अपना काम कर रहे हैं। तो शंभु प्रसिद्धति, ये प्रसन्न होते हैं। जो भी पाठ करें पहले अंत में देखें इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बाद करें तो आपको पता चलेगा इसको कैसे करना है। यहां लिखा है भक्तिया, भक्ति पूर्वक पाठ किया जाए तो भक्ति से भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। यहां लिखा है विप्र अनुराग, ब्राह्मण देवता का अनुराग देख करके भगवान प्रसन्न हुए, ये बात। फिर आगे, जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेह, निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर पर देह। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले तो अपने चरणों की भक्ति दो, है ना, भक्तिम प्रयच्च रघुपुंगव निर्भराम। में सब भक्ति मांगते हैं, भगवान महादेव भी भक्ति मांगते हैं, सनत कुमार भक्ति मांगते हैं, और भी रामायण में आप खोजना कौन कौन ने भक्ति मांगी, उत्तरकांड में मिल जाएंगे आपको सब लोग, सभी भक्ति मांगते हैं भगवान से। तो यहां ब्राह्मण देवता ने भी भक्ति मांगी है, देखो, तो पहले तो अपनी भक्ति दो और फिर पुनि दूसर वर देहू, फिर दूसरा वर दें, कौन सा, तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे कृपा सिंधु, हे भगवान, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, तो हे कृपा के समुद्र मेरे प्रभु उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे ही काल। यह वरदान है महाराज,
हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अब अनुग्रह हो जाए, यानी शाप से इसकी मुक्ति हो जाए। यही कर हो यही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधान। विप्रगिरा सुनि परहित सानी एवं अस्तु इति भई नभ बाणी। हे कृपा निधान, अब यही कीजिएगा जिससे इसका परम कल्याण हो और दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर के फिर आकाशवाणी हुई है एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। देखिए प्यार भरा दिल, ये तो शंकर के क्रोध को भी, जो प्रलयंकर है उसके क्रोध को भी शांत कर सकता है, तो मनुष्य के क्रोध को क्यों नहीं कर सकता। भगवान शिव की कथा हमने सुनी है, इतना हो सके तो करिएगा। आज से जो आपके साथ बात नहीं करते हैं, जिसके साथ आपका मन मुटाव है, उसको प्रेम से जाकर के मिल लेना। मैंने शिव की कथा सुनी है, अब मैं ये बोझ नहीं रख सकता, मेरी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, अपनी ओर से मैं गांठ छोड़ रहा हूं, अब तुमको बांधे रखनी है तुम जानो, है ना। जिसके साथ भी आपकी अनबन है एक बार कॉल कर लेना, मेरी मुझे क्षमा करना, यदि ऐसा कुछ है। मैं बोझ लेके जीना नहीं चाहता, मैं बोझ से हल्का होना चाहता हूं। तो ये प्रेम से ये सब हो सकता है। ब्राह्मण देवता ने इतना प्रेम दिखाया, इस तरह से इस स्तोत्र को गाया, इस तरह से स्तुति करी आशुतोष अवधरदानी, वैसे तो प्रलयंकर लेकिन फिर अभयंकर शंकर प्रसन्न हो गए। जदपि कीन यही दारुन पापा, मैं पुनि दीन ही कोप करि साफा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूं यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करूंगा। साधुता देखकर शंकर प्रसन्न होते हैं। देखो इस तरह से लेना, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। हे द्विज, जो क्षमाशील हैं, जो परोपकारी हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी प्रिय हैं। खरारी खरदूषण के अरि भगवान राम, तो राम जी जैसे प्रिय हैं वैसे ही मुझे वो प्रिय होता है जो क्षमाशील होता है और दूसरों पर उपकार करने वाला होता है। तो अंत में मुझे यही कहना है कि ये रुद्राष्टक गाया गया है अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी दूसरे पर कृपा हो जाए इसके लिए। और इतने प्रेम से गाया गया है कि प्रलयंकर शंकर का भी क्रोध शांत कर सका। बस इसी तरह से साधुता पूर्वक, अनुराग पूर्वक, भक्ति से कोई व्यक्ति रुद्राष्टक का पाठ करता है तो बड़े प्रेम से शंकर को प्रसन्न कर सकता है। वे आशुतोष हैं, वे हमको क्या नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपके इस अनेक संतों की चरण रज से विभूषित ऐसे शार्लोट नगर में हम सब, मैं पहली बार आया और गुरु कृपा से, क्योंकि मुझे तो यहाँ आया तब तक पता नहीं था कि मुझे किस पर बोलना है। बस वहाँ न्यू जर्सी में अंतिम दिन था, मैं देख रहा था पूज्य भाई श्री पधार रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि अब तो ये वीजड़ी नो चमकारो बंद थी जैसे, पीछे मोतीड़ू केम परोशू। एकदम वे कार में जब बैठ रहे थे तब जाके मैंने कहा कि यदि आज्ञा हो तो हम लोग वहाँ रुद्राष्टक पर आनंद करें, तो उन्होंने बड़े प्रेम से आज्ञा दिया था और इसी गुरु कृपा का ही हम सब ने यह आनंद लिया 5 दिनों तक। तो सबसे पहले शंकर भगवान के चरणों में तो प्रणाम है ही है, मैं गुरुदेव भगवान की उन दिव्य पादुकाओं को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा करुणा से हम सब यह आनंद ले पाए। ये बल्ब है तो वो पावर स्टेशन है, यहाँ जितनी भी लाइट तुम देखते हो, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तो आप लोग प्रेम से कहते हैं कथा में आनंद आ रहा है, तो ये प्रशंसा बल्ब में तो क्या होता है, उसको निकाल दो पावर स्टेशन से अलग कर दो फिर जय श्री कृष्ण, वो तो बंद हो जाए, है ना। लेकिन पावर स्टेशन इतना बढ़िया हो तो फिर प्रकाश, पावर स्टेशन इंडिया में हो और अमेरिका में भी प्रकाश फैल सकता है, तो ये तो हो सकता है। तो बड़े आनंद की बात, हम सबको यह लाभ मिला।
हिंदू सेंटर ने ये हॉल और ये सब हमको व्यवस्था उपलब्ध कराया। रमणिक भाई मुझे कह रहे थे शुरू शुरू में तो कोई नहीं जुड़ा था, फिर तनसुख भाई आगे आए और फिर धीरे धीरे सब, और फिर कथा शुरू हुई तो फिर इसके बाद तो देखिए कारवां बनता गया और अच्छी तरह से। 5 दिन के बाद तो आज सब सोच रहे हैं कि आज ये पूरा नहीं हो, और यदि ये कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दें कि अभी 2 दिन और है तो परम प्रसन्न हो जाए। ऐसी बात है, तो यही होता है। बस इतना समझ लो मेरे भाई बहन, मैं कोई उपदेश देने वाला हूँ नहीं, मैं ऊपर इसलिए बैठता हूँ कि आप सबको अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो मैं तो वहाँ बैठ के भी कथा सुनाऊँ आपको सच में। लेकिन वो श्रोताओं के मन में होता है कि थोड़ा महाराज नू मोटू दिखाऊ जो, तो इस तरह से होता है, इसलिए हम ऊपर बैठते हैं। बाकी मैं अंदर मन से विद्यार्थी ही हूँ, मेरे मन में कोई वो पंडिताई और ये सब मेरे को आता भी नहीं, और मेरे में कुछ हो तो आए, पर मैं सीधी बात आपके सामने रखूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो सारी चीजें हैं ये समय का, इसमें संपत्ति का, समय का, इसमें वेस्टेज नाम की कोई चीज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ही है। आप हमेशा ध्यान दें, जब भी कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं श्याम भाई की शिव कथा हो तो आगे आना, मैं सीधी बात आपके सामने रखूं, हमारे धर्म के साथ संबंधित, हमारी संस्कृति के साथ संबंधित कुछ भी घटना घटने जा रही हो और आपको पता चले तो दौड़कर सबसे पहले उसमें वॉलंटियर बन जाना चाहिए। भारत में तो सनातन धर्म नृत्य कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी कहीं भी घटना घटे तो हम लोग अपने दौड़ दौड़ के जाते हैं और वहां वॉलंटियर बन जाते हैं। जहां जो भी सेवा ठाकुर जी दें उन सब सेवाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि संस्कृति का काम हो रहा है, संस्कारों का काम हो रहा है। हमारे इतने दिव्य भव्य उस हम ऋषि मुनियों ने हम लोगों को जिन चीजों का वारिस बनाया है उसके लिए कुछ करने की बात होती है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी कई बार चिंता में पड़ जाए कि अब ये इसका क्या करें, अब तो यहां तो कोई जुड़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी संस्कृति की कुछ बात आए तो सब, क्योंकि यहां आकर के हमने पैसा कमाया और फिर हम यदि संस्कारों को गंवा देंगे तो ये घाटे का सौदा है मेरे भाई बहन, ये घाटे का ही सौदा है। आपको बड़ा अच्छा लगता है आपके बच्चे हाथ में आरती लेकर के ये सबको देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है आपके बच्चे आपके पास में बैठ करके कम से कम आधा घंटा भी कथा सुने, आपको बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों के साथ यहां सुनी शेयर करते हैं, आपको ये सब चीजें यदि अच्छी लगती हैं तो ये जब करेंगे तब ना होगा, इसके अलावा कैसे हो सकता है। तो जो भी इसमें इनिशियल लेता है उसको ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए कि अभी तो इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है, नहीं ऐसा होना चाहिए कि हाथ जोड़ना पड़े, अरे नहीं वो जजमान बन गए हैं अब नहीं है, जगह नहीं है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे, ऐसा होना चाहिए। मैं अपने लिए किसी स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको समझ रहे हैं, 5 दिन से आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे विचार ऐसे संकीर्ण नहीं है, लेकिन आप इस चीज को समझो। और आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में, आज ही मैं वो क्या तमर्थ करे बेटा उस हमारी बात हुई, ज्ञाति का सम्मेलन हो और ऐसी चीजें हो तो इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना। आपके परिवार वाले, आपकी कास्ट वाले, आपके धर्म वाले, आपके संप्रदाय वाले, आपके मंदिर वाले, आपके यहाँ मतलब जो भी संस्कृति से संबंधित, संस्कार से संबंधित जो भी होता हो उसमें उछल कर आगे आओ, क्योंकि आपको पता नहीं है आप बहुत बढ़िया वाला काम कर रहे हो। परोसने में जो मजा है वो खाने में नहीं है। संस्कृति का कुछ काम करोगे तो तुम आगे वाले जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ कर रहे हो, और तुम पैसा दोगे उनको तो हो सकता है वो खर्च कर दे, लेकिन ये संस्कार दिए होंगे तो कल को तुम नहीं होगे तब भी उनके पास ये संस्कार रहेंगे, समझ रहे हैं ना। हमारे पूर्वजों ने हमको जो दिया इसका बड़ा गौरव है, तो हमारे बच्चे भी तो कुछ गौरव करें कि हमारे माता पिता ने, हमारे सब गांव के सब बुजुर्गों ने और हमारे जो भी लीडर्स थे उन लोगों ने हमारे गांव में हमेशा संस्कृति जिंदा रहे ऐसे प्रयत्न किए, तो होता ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस हिंदू सेंटर में कुछ नहीं, सारी प्रवृत्तियां बहुत अच्छे से चल रही, मैं जान रहा हूं मंदिर में अपना गाजता अजय साईं बाबा ने भजन आनंद थी बता त्यां करी रहा छे, तो ठीक है, लेकिन इस तरह की प्रवृत्तियां जब भी हो तो उछल के आगे आओ। ध्यान रखना इसमें जिन जिन को भी यजमान बनने का, दैनिक यजमान बनने का और भोजन का यजमान बनने का लाभ मिला, उनको होशियारी नहीं करना कि मैं यजमान, ये कहना कि शिव की कृपा से एक दिन हमको भी लाभ मिला था,
क्योंकि पैसा और ये यजमान बनना, ये पूजा करना, ये पोथी अपने सिर पर उठाना, इन दोनों की कोई कंपेयर नहीं है। ये तो जरूरी होता है, इसलिए कुछ पैसा लगाना पड़ता है, सीधी बात। इस आनंद के साथ तुम पैसों को क्या तोलोगे? मेरे भाई बहन, जिसकी कीमत जैसी करनी चाहिए वैसी करनी चाहिए। आज लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो थोड़ी स्मार्ट बातें भी हमको करनी चाहिए। नहीं तो होगा ये कि हमारे हाथ में फोन स्मार्ट होंगे लेकिन हम इडियट जैसे लगेंगे। केवल फोन स्मार्ट नहीं होने चाहिए, हम भी स्मार्ट। और सच्ची वाली स्मार्टनेस यही है कि हम धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए सबसे आगे आकर के आए हैं। और यदि लाभ मिले, मैं बहुत हृदय से मानता हूं, इसलिए कहता हूं, यदि मैं यहां नहीं होता तो मुझसे अच्छा होता और आपको और अच्छी कथा सुनाता। मैं शंकर भगवान का, मेरे गुरुदेव भगवान का, आप सब लोगों का आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया कि आपके सामने कुछ बातें मैं रख पाऊं। ये बिल्कुल दो टूक सत्य है। ये मैं नहीं होता, मेरे से अच्छा आता। मुझे चांस मिला, ग्रेटिट्यूड फील करता हूं, कृतज्ञता प्रणाम पूर्वक भगवान महादेव को प्रणाम करता हूं कि मुझे चांस दिया। इस तरह से अब मैंने अपनी बात रखी। यहां जितने बैठे हैं सब अपनी बात समझ लो। आप नहीं होते, आपसे भी अच्छे आ जाते, क्योंकि शंकर भगवान को यह करना था तो वो तो करने ही वाले थे। बस इसमें हम हैं तो हमको कृतज्ञता अनुभव करना कि मेरे नाथ तुम तो कैसे भी कर लेते लेकिन तुमने मुझे चांस दिया। अच्छा, ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं? बोले इसलिए कह रहा हूं कि अध्यात्म का आनंद लेना, अभिमान में नहीं फंसना, है ना। मुझे कोई भी कुछ भी कितना ही प्रेम से कहे कि कथा बहुत अच्छी है, मुझे आनंद आता है, वो तो मैं एक दिन बोल भी गया, लेकिन मैं फिर बात वहां पहुंचा देता हूं क्योंकि मुझे पता है जहां से आ रहा है वही दे दो, ये वहां की पोस्ट है, अपनी नहीं है। अपने को इसमें निमित्त बनाया कि तुम दे देना, तो इसके लिए हम प्रसन्न हैं, पर हम सबको अवसर मिला। भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव से इस तरह से प्रणाम करें, हे मेरे नाथ, मेरे इतने 5 दिन तुमने सुधार दिए, तुमने अवसर दिया। और बस यही भावना के साथ भगवान वही नतो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, यही है। नहीं तो क्या होगा कि तोते रटन की तरह बोल रहे हैं, नतो हम कह रहे हैं लेकिन माथा झुका नहीं। तो माथा झुका तभी माना जाएगा कि परमात्मा से हम कहें कि मेरे प्रभु बड़ी कृपा की, नहीं तो इतने दिनों शाम को मैं कहां घूमता होता। लेकिन तुमने अपने गुणगान सुनने का अवसर दिया, गाने का अवसर दिया, इसके लिए हम भगवान महादेव के बड़े ही आभारी हैं। प्रेम से उनके चरणों में, जैसे वो ब्राह्मण देवता प्रणाम करते हैं, हम भी कहते हैं हे शंभू, तुम्हारे चरणों में सदा सर्वदा हम नमस्कार करते हैं। आइए भगवान शंभू को मना लें और इसके बाद आज कथा का यहाँ पर विराम करूंगा। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट कामू दया करी शिव दर्शन
अंगे भस्म श्मशाननी चोड़ी संगे राहो सदा भूत टोड़ी भाले तिलक करियो कंठे विषरे धरियो अमृत आपो दया करी सदर्शन आपो नेति नेति जावे प्रकार यह पंच दिवसीय शिव सत्संग हम भगवान महादेव के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक समर्पित कर रहे हैं। रमणिक भाई संघाणी और उनके परिवार ने इस बार मुख्य यजमान बनने का लाभ लिया और फिर दैनिक यजमान के रूप में कई यजमान बनकर के आप सब ने इसका लाभ लिया। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के अधिकारी हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने आगे आकर के दूसरे कई लोगों को यह दिव्य सत्संग का लाभ दिया। भोजनालय में भी कई लोग प्रसाद के यजमान बने। फिर देखो, यही है आनंद की बात कि कुछ लोग यजमान तो बने लेकिन खुद रसोई बना करके लाए। जैसे वो मुझे उस दिन तो मैं ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कृष्ण भगवान वो वन में जाते हैं और फिर सब गोप ग्वालों के साथ बैठ करके वो वन भोजन करते हैं, तो खुद ही बनावें खुद ही खावें। तो उस दिन मैं भी दो चार बटेटा वड़ा घर में ले गया था। मैंने कहा मुझे भी आज तो प्रसाद मिलना चाहिए। तो इस तरह से यही प्रेम का वातावरण भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि आप सबके बीच में बना रहे, सत्संग का सबका समझने का जो लेवल है और बढ़ता चले।
और हमने 5 दिनों तक जो सुना, हमने, केवल आपने नहीं, हम सब ने सुना। तो हमने जो सुना, अब भगवान से प्रार्थना है कि यह जो कुछ सुना है वो सब थोड़ा हमारे जीवन में भी आए। क्योंकि पूज्य भाई श्री ने 1-2 दिन पहले ट्वीट किया था कि जो भी हमारे विचार हैं वो यदि हमारी क्रिया में नहीं आते तो क्या मतलब है। हम जो सोचते हैं उस तरह से हम यदि करते नहीं तो इसका क्या मतलब है। जरूरी है हम बोलें तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर उस अनुसार हमारा जीवन भी हो। जब जरूरत पड़े तो वे विचार हमारे मन में आए और तदनुसार हमारी क्रिया हो। ये भगवान की प्रार्थना से ही होगा। कथा के साथ जुड़े हुए सभी के लिए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सभी मंदिर के पुजारी जी तो रोज आकर के हमको पूजा वगैरह कराते थे, और आप सब यहाँ शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, और ये सारा का सारा एकदम ढंग से गया। तो ये सेरेमनी अच्छी गई, इसका कारण मास्टर ऑफ सेरेमनी इस बार बहुत बढ़िया थे। एकदम तेज तर्रार आदमी के रूप में जिनकी पहचान है, पोरबंदर में घना तो तमरो नाम लिये तो अमुक दृष्टि ध्रुजता हुई। हाँ खरेखर, लेकिन वो दूसरों के लिए ऐसा अनुभव होगा। लेकिन शेर अपने बच्चे को उठाता है तो बड़े प्रेम से उठाता है, तो इस शेर ने इस बच्चे को भी बड़े प्रेम से उठाया और बहुत आनंद कराया। और देखो इतना नॉलेज आप लोगों को तो ज्यादा लाभ मिलता है, मुझे तो पहली बार मिला। मैं उस दिन डाइनिंग टेबल पर थोड़ा सा आपके पास सुना रामायण का, तो मेरे रोए खड़े हो गए थे, क्योंकि शास्त्रों की बात सुनते हैं। मैं सच कहूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा खाना रोटी नहीं है, मेरा खाना सत्संग है। मैं सच कहूंगा, मेरा खाना पीना मेरे शास्त्रों के श्लोक हैं, रामायण की चौपाइयां हैं, मेरे गुरु के प्रसाद से मेरा खाना पीना यही है। क्योंकि जिसके भी घर में खाने के लिए जाता हूं, सभी लोग ये फरियाद करते, तुम कुछ खाते नहीं, तुम कुछ, उसको मैं क्या कहूं, मेरा खाना ये है, गुरु कृपा से यही खाना मेरा बना रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो कोई भी कुछ भी शास्त्र की बात सुना देता है तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जैसा कोई है जिसको इनमें अभी भी श्रद्धा है, अभी भी इन ग्रंथों में भरोसा है। सनातन धर्म को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम ही तो हैं जो ये सब संभालेंगे, और हम ही तो हैं, ये गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से हम लोग अपने एक दूसरे को मिल मिल करके, यही कोई कलयुग वलयुग नहीं है, कली है, फूल होने वाला है। जिस तरह से हम लोग मौज कर रहे हैं, इसको पकड़ के रखेंगे, आशा श्रद्धा विश्वास को नहीं गंवाएंगे। अगली वाली पीढ़ी के लिए चिंता मत करो। मैं तो सबको कहता हूँ, सब लोग कहते हैं हमारे बच्चे मंदिर में नहीं जाते, ये नहीं जाते, वो छोड़ो ना यार, मुझे कह दो ना कि तुम यहाँ टाइम टू टाइम आया करना, और तुम भी ठीक रहना, और ये चालू रहना चाहिए। इतना हम लोगों को भी थोड़ा जिम्मेदारी दे दो, तुम भी कुछ करना, तो मैं संभालूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि मुझे क्या चिंता, ये संभालेगा। आप सब मिल करके सत्संग करेंगे, अपने आप ही यहाँ संस्कृति कहाँ जाएगी। और इतना मैं बता दूँ, कभी कभी तो तुम लोग इतना बढ़िया धर्माचरण करते हो और तुम्हारे विचार इतने पवित्र होते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी तो मैं उस पवित्र आचरण को और उन चीजों को भारत में भी नहीं देखता। हाँ जी, जिस तरह से कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह से साधु संतों के प्रति तुम लोगों का आदर और जिस तरह से तुम संभालते हो, कभी कभी वहां भी देखने को नहीं मिलता। तो परमात्मा की कृपा है कि ये दिन हमको देखने को मिले। तो बस समझ ठीक हो तो सत्संग में जाके बैठना, समझ और ठीक बनी रहेगी। परमात्मा के चरणों में फिर से एक बार प्रार्थना, हमने जो बोला हमारे जीवन में भी उतरे। आप सबको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि जो मैं अच्छा बोल रहा हूँ ये केवल बोलने तक ना अटक जाए, थोड़ा हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ उतरे। आप इतने मिल करके आशीर्वाद दोगे तो क्यों ना कुछ अच्छा होगा। आइए, जो कुछ भी वाणी से सेवा हो सकी सब भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए, आप सबके प्रति जितना श्रद्धा प्रेम से सुना इसके लिए बहुत दिल के आशीर्वाद देता हुआ आप सबके लिए, और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हुआ 5 दिन के इस दिव्य सत्संग को विराम दें। जय जयकार करिए। चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। सद्गुरु
જય શ્રી કૃષ્ણ. પાછો એક પ્રશ્ન પૂછીશ તમને, કથા કેવી રહી? સંગીતકારો, અને સાઉન્ડ સિસ્ટમ, અને વ્યાસપીઠ પર પૂજ્ય શ્યામભાઈ, જ્યારે કથા વિરામ અત્યારે થઈ ગઈ છે ત્યારે મારે થોડીક વિધિ છે અહીંયા આગળ હિન્દુ સેન્ટર તરફથી કરવાની, એટલે હું અશોકભાઈને બોલાવીશ. અશોકભાઈ એ આપણા હિન્દુ સેન્ટરના છે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, એમના વાઇફનું નામ છે નૈનાબેન અને એનું નામ જ છે સેવક. અને એ આપણે જે અહીંયા અમે કમિટી કરીને એમાં ત્રણ જ જણા અમે હતા. કોણ? અશોકભાઈ, એમના વાઇફ નૈનાબેન, રમણીકભાઈ એમના વાઇફ નૈનાબેન, અને મારી વાઇફ સરલા અને રાજેશ. એટલે આ કમિટીથી અમે લગભગ ત્રણેક વીક, 3.5 વીક પહેલાં બધું શરૂ કરેલું હતું. એટલે એમાં અશોકભાઈનો હિન્દુ સેન્ટર તરફથી ખૂબ ખૂબ સાથ હતો. એટલે એમને અત્યારે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કે જે બધું કહેવું હોય અને આશીર્વચન લેવા હોય એ બધા હું એમને આપું છું. થેન્ક યુ અશોકભાઈ. નમસ્તે.